हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका एक गेट 2014 में आपका एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ये जो है बेसिकली आपका ये जो है पॉलीनोमियल या फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक आपको एप्लीकेशन पता है तो आप ये क्वेश्चन आप बहुत इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन दिया है, ए नॉन जीरो पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री 3 हैज रूट्स एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हुए। तो अब देखिए आपको पता है कि डिग्री 3 है, मतलब आपका तीन रूट तो आना ही है और ये क्यूबिक पॉलीनोमियल की बात कर रहा है। अब देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आपका एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3, ये आपका जो है तीन रूट दिया हुआ है उस पॉलीनोमियल का जिसका डिग्री 3 है। तो अगर x इक्वल टू 1 अगर रूट है उस पॉलिनोमियल का, यानी x इक्वल टू 1 जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप इस 1 को इधर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि x माइनस 1 क्या हो रहा होगा, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल क्या है, एफ ऑफ एक्स है। सिमिलरली x माइनस 2 भी जो है आपका क्या होगा, वो फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का जो दिया हुआ है, और x माइनस 3 भी जो है आपका वो एक फैक्टर होगा इवन पॉलिनोमियल का। यानी जो आपका पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, हम उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए कुछ लोग सिंपली ऐसे ही लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करिएगा तो यहां से भी जो वैल्यू आपका आएगा आप सही आंसर ही लाइएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप जो है इसको जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी आप उसको फैक्टराइज कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आपका कोई कॉन्स्टेंट भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट 1 है, नॉर्मली 1 आता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कुछ और भी कॉन्स्टेंट का वैल्यू सिंपली 2 आ सकता है, 3 या फिर कोई भी आपका इंटीजर या कोई फ्रैक्शन वैल्यू भी आ सकता है। तो इसलिए हम जनरली कोई कांस्टेंट सी कंसीडर कर ले रहे हैं, तो इसलिए सी आपका जो है सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अब हमको एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 4 की कहानी यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आपको एफ ऑफ 0 फाइंड करना पड़ेगा और एफ ऑफ 4 फाइंड करना है। तो देखिए एफ ऑफ 0 आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू सी इंटू 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1, फिर 0 माइनस 2 तो माइनस 2 और 0 माइनस 3 तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3। तो ये आपका आ जाएगा, तीन बार माइनस का साइन है तो ओवरऑल माइनस, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 तो माइनस 6 सी। सिमिलरली जब आप एफ ऑफ 4 फाइंड कीजिएगा, तो एफ ऑफ 4 जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा आपका सी इंटू, अब देखिए 4 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 3, 4 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 2 और 4 माइनस 3 तो 4 माइनस 3 आपका हो जाएगा 1, यानी ये भी हो जाएगा 3 इंटू 2 6 यानी 6 सी। तो देखिए ये आपका एफ ऑफ 0 आ रहा है माइनस 6 सी और एफ ऑफ 4 आ रहा है 6 प्लस 6 सी। तो ऑप्शन 1 जो है आपका यानी ऑप्शन ए जो है उसमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 4 इज लेस देन 0। तो देखिए जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस 36 सी स्क्वायर। तो माइनस 36 और सी स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि सी की जगह पे कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू रखिए या निगेटिव तो उसका स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, और ये आपका माइनस 36 उसके सामने, यानी ओवरऑल जो आपका वैल्यू आ रहा होगा, यानी आपका ये एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 4 आ रहा है आपका माइनस 36 सी स्क्वायर जो कि लेस देन 0 होगा, यानी आपका ऑप्शन ए ही जो है, चूंकि मस्ट बी ट्रू पूछा है यहाँ पे तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। और ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट था वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, चाहे तो आप बाकी सारे ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 4 तो जब ये लेस देन 0 हो गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 0। देखिए एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 4 आपका आ जाएगा माइनस 6 सी और प्लस 6 सी, तो आप जब उसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का तो साइन ही नहीं है लगा हुआ, यानी ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी भी देख लीजिए, आपको दोनों का एडिशन लेस देन 0 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपको दोनों को ऐड करने पे 0 मिल रहा है और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगता तो ये भी करेक्ट हो सकता था अगर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता, लेकिन ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो एक ही आंसर होगा इसका जो कि होगा आपका ऑप्शन ए। थैंक यू।